गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग असाइनमेंट 9.3. सो फर्स्ट इज द एमसीक्यू. आई थिंक ऑफ अ नंबर एक्स, सबट्रैक्ट एक्स 3 फ्रॉम इट एंड देन डिवाइडेड बाय 5. द करेक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज. देखिए, मैंने एक नंबर सोचा, सपोज करिए कि एक्स नंबर हो गया. ओके, सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम इट, उसमें से 3 को माइनस किया और जो बचा उसको 5 से डिवाइड कर लिया. सो दिस इज द इक्वेशन. इट मीन्स एक्स माइनस 3/5 इज द आंसर, राइट? नेक्स्ट वन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट 5 टाइम्स अ नंबर वाई टेकन अवे फ्रॉम 17. 5 टाइम्स अ नंबर देन वाई टेकन अवे फ्रॉम 17. 5 टाइम्स अ नंबर वाई, पहले एक नंबर का 5 टाइम्स एंड टेक अवे अवे फ्रॉम 17. 17 में से निकाला है, 17 पहले आएगा. सो द आंसर इज दिस वन. 5 टाइम्स एक नंबर, उसको 17 में से निकाल लिया, राइट? नेक्स्ट, इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट इज 8 मोर देन 2/3 ऑफ एक्स. 8 मोर देन 2/3 ऑफ एक्स, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं, 2x/3+8. 2x/3+8, यस ही आ जाएगा आंसर, ठीक है? विच आर द फॉलोइंग इज आर नॉट इक्वेशन. इनमें से कौन सी इक्वेशन है? देखिए, इक्वल का साइन जरूर होना चाहिए इक्वेशन में. यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब ये नहीं है इक्वेशन. यहाँ स्मॉलर देन का साइन है, इक्वेशन नहीं है. यहाँ पर इक्वल का साइन है, इट मीन्स दिस इज एन इक्वेशन. अंडरस्टूड? ओके, फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज थर्ड वन. नाउ राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 इज 7. अ नंबर डिवाइडेड बाय 4, हमने एक नंबर को x मान लिया, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 7 आता है. दिस इज द आंसर. सम ऑफ टू नंबर्स इज 25. देखिए, अगर फर्स्ट नंबर आपका x हो जाएगा तो आपका दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? दूसरा नंबर होगा आपका एक्स प्लस, सॉरी, 25 माइनस एक्स, राइट? हाफ ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 8. हाफ ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 8. दो नंबर हैं, उनका सम हाफ कर, अगर हम उसका हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, राइट? सेकंड बेटा, यू कैन से द नंबर इज एक्स वाई. सो हाफ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, हाफ ऑफ सम ऑफ द नंबर इज 8, इज इक्वल्स टू 8. अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज 12 मोर देन द नंबर. एक नंबर है मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, अगर हम उसकी खुद से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? 12 मोर देन इट द नंबर. तो नंबर जो था x था उससे 12 ज़्यादा, राइट? सो दिस इज इट. लेट्स रीड टू द फोर्थ क्वेश्चन. राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 8 इज 17. सम ऑफ 3 टाइम्स x means 3x and 8 and 8 is 17. इसका मतलब इक्वल होता है तो 17 आ जाएगा. द डिफरेंस बिटवीन 1/5 ऑफ x एंड 1/10 ऑफ x इज 3. देखिए, डिफरेंस बिटवीन 1/5, तो 1/5 ऑफ x लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी x से. और 1/10 ऑफ x, 1/10 x, इसका डिफरेंस कितना है? 3 है. दिस इज इट. ओके, थैंक यू वेरी मच. मे कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ.